ਕੋਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋੜਨ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਜੁਰੇ ਖੜੋਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪਈ ਸੀ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ मैं स्माइल ग्रुप सेवन से और उम्मीद करते हैं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरे साथ हैं दिल भाई और हम अपने चौंक में जा रहे हैं क्योंकि हमारा यूपीएस रात बारिश की वजह से ख़राब हो गया। तो वसीम भाई और क्या कहते हैं कासम भाई बाइक पे यूपीएस लेकर आए हैं और हम वहाँ पैदल आए क्योंकि हम चार बैठ नहीं सकते थे। तो अब देखते हैं वो भाइयों ने क्या किया होगा। अस्सलाम वालेकुम, हम चौंक में पहुंच गए और फर्स्ट दुकान है शाहद भाई की। ये देखें ये शाहद भाई बैठे हैं हमारे बहुत ही अच्छे और प्यारे दोस्त अस्सलाम वालेकुम जो रिपेयरिंग का काम करते हैं। तो दूसरे लोग भी बैठे हैं और पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये देखें माउस के साथ पता नहीं गेम खेल रहे हैं। मिनी क्या मिनी कंप्यूटर है सर ये। मिनी कंप्यूटर बिल्कुल मिनी कंप्यूटर। ये आ गया हमारा यूपीएस। ये वसीम भाई आ गए यूपीएस लेके। चाचू हमारे अब्दुल हमीद साहब कासम के चाचू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चाचू जी। ये जी माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हमारे चाचू हैं। हमारा कोई भी इलेक्ट्रिशियन का काम होता है तो ये चाचू जी करते हैं। तो इनकी बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। एक दफ़ा इन्होंने कोई एक मिसाल दी थी, पता नहीं क्या मिसाल थी, मूछें बड़ी होगी। की चाचू मिसाल सी दसोंगे? दाढ़ी नाल मूछा वाद गया। ये कितने जुड़ दी मिसाल है, है? खर्चे नाल मूल बात गया। वो इस तरह के ये यूपीएस हो 5,000 का और इस पर लग जाए 7-8 हज़ार तो ये इसलिए कि दाढ़ी से मूछे अलग है। दाढ़ी बढ़नी चाहिए लेकिन मूछे बढ़ गई। तो चाचू बहुत प्यारे हैं, ऐसी मजाक करते हैं, काम भी ऐसी तरह करते हैं। लेकिन कासम भाई पता नहीं किधर गया बाइक लेकर, कहाँ गया? वो घर गया क्योंकि ये दोनों कासम और वसीम आए थे यूपीएस खोल कर। ये रात बारिश की वजह से कोई से मसला बना है, आप चेक करवाते हैं। लो जी चाचू जी ने चेक कर दिया। क्या मसला भाई बताएं आप। ये 24 वोल्ट पे चेक होगा। ये 24 वोल्ट पे चेक होगा। चाचू के पास एक बैटरी है तो एक बैटरी वाला यूपीएस चाचू चेक कर सकते हैं। ये बनाया इन्होंने ही है लेकिन अभी हमें व्याड़ी भेज रहे हैं तो अब हम पहले चकड़ा ले जाएंगे अगर उधर से हुआ ठीक, वरना फिर व्याड़ी तो व्याड़ी है। कासम भाई आ गया और दिन टाइम लाइट चलाई हुई थी इसने। की लैन गया से भाई? चार्जर। ये चार्जर लेने गया था। तो अब इधर से तो बात नहीं बनी तो दिल भाई से भी कहा कि आवे व्याड़ी चलते हैं। ओ सॉरी चकड़ा ले पहले, या उम्मीद है चकड़ा ले से सेट हो जाएगा। और वसीम भाई ने व्याड़ी जाना है, बाइक ही हमें दे देंगे, इसे किराए वाले पर बिठाएंगे क्योंकि बाइक उधर है। काशिप भाई गए हैं शॉप पर तो शॉप पर वसीम भाई ने जाना है। तो अब आए हम चार हैं लेकिन दोस्त हैं तो दोस्ती में चार क्या आठ हों फिर भी बंदा खुशी खुशी तंग होकर मंजिल तक चला जाता है। अगर कोई ऐसा बंदा हो कि जिसके साथ चलना मुनासिब ही ना हो, यानी कि दोस्त ना हो कि ऐसे ही मिल जाए, तो वो एक ही काफ़ी होता है। सारा सफ़र बंदा बस पछताता ही जाता है कि किसे बिठा लिया। लेकिन अगर दोस्त हों तो बहुत ही अच्छा माहौल होता है, तंगी में भी आसानी नज़र आती है और खुशी नज़र आती है। तू चलाना मोटरसाइकिल? चलो भी दिल कह रहा है भाई, कह रहा है बाइक मैं चलाता हूँ और क्योंकि इसे बाइक माशाल्लाह चलानी बहुत अच्छी आती है। वसीम भाई से हमें डाउट ही होता है कि कहीं ना कहीं लगा ना दें। तो ये दिल भाई चलो चक यूपीएस मोटरसाइकिल मोर। ये बैठ गया है वसीम भाई। ये कितना आगे हो गया दिल भाई, क्योंकि पीछे दो बंदों ने बैठना है। मैं तो हल्का सा ही हूँ, कासम भाई थोड़े से भारे हैं और दिल भाई वसीम भी ठीक है। चलो बैठते हैं। ये भी दरमियान में रखना मुश्किल था और कासम भाई लास्ट पे से पकड़ेंगे, ये लास्ट पे साइड पे। हम अपने चौंक से निकल रहे हैं और चिक्कट देखें आगे कितना है और आगे अदील भाई की ड्राइविंग पता नहीं क्या करती है। वाह मेरा भरा आराम ना लै चली, ये चिक्कर बहुत है और बंदे भी हम चार हैं। ये साथ इतना रोक ले इधर, रोक गाड़ी आगे और हमने कर लिया साइड पे। मैं राह से थल्ले देखेगा और अड्डा ड्राइवर नहीं मारा डेगेगा जोला ना बाल के अंदर नजर ही ना लग यार। ये देखें जी हमारे पिंड में कैसा माहौल बना हुआ है बारिश की वजह से। ये हम अपनी पक्की पे आ गए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गांव से बाहफाजत दिल भाई की ड्राइविंग के साथ। ये दोस्तों इस तरह हम जा रहे हैं चार और बहुत मुश्किल से, फर्स्ट पे दिल भाई, सेकंड पे वसीम भाई, क्यों ना देखिए पीछे, और थर्ड पे आसिफ और लास्ट पे वासिम भाई। वासिम हो गया तो कर साथ में।
ये कासम भाई और यूपीएस इसने पकड़ा हुआ है। ये जी अब हम तकरीबन 5 मिनटों बाद पहुंचेंगे अपने अड्डा चकड़ाले पे और उधर जाके आपको मिलते हैं। दोस्तों ये हम पहुंच गए चकराले अड्डे, ये इधर से दुकानें स्टार्ट हो गई हैं, ये देखें तो बस ये स्टार्ट नहीं है, इधर हम चेक करवाते हैं। ये पुल के ऊपर से गुजारना था तो इसलिए दुकान वो आगे है, उधर ये लेके जाते हैं। देखिए भी देखिए, इसलिए हम दोनों उतर गए, चढ़ाई बहुत है, साथ नहर है, इसलिए ये चार गए। ये इसी बनी जो नहर से गुजरी है इससे गुजरेंगे, ये इधर से पानी आ रहा है अड्डे की तरफ से और ये हमारे गांव की तरफ जा रहा है, ये देख। और ये शॉप नहर गुजरने के बाद आती है जहाँ से हम ऐसा काम करवाते हैं। यूपीएस को पहले ही मसला बना था, इधर से ठीक करवाया है और वो नहीं बना देता। ये कासम भाई बैठे, अस्सलाम वालेकुम चाचू जी। वालेकुम चाचू जी, पहले बिजी हैं चाचू शौकत, मुझे लगता है नाम है चाचू का, तो बहुत पुराने माशाल्लाह हमारे चकड़ाले पे और हाई स्टैंडर्ड के कारीगर। कैसे रख दिया कासम भाई ने चाचू के करीब, तो आगे चेक करेंगे। उतनी देर वसीम भाई को छोड़ के आते हैं चौबीस मोर मोटरसाइकिल छाड़ के आइए, कित पैदल चलिए, आज पैदल चढ़ाया रहे हैं। ये हमारे साथ ही स्टाफ है और वसीम भाई को उधर छोड़ते हैं क्योंकि काशिफ भाई बिहाड़ी हैं, तो उनके साथ ये शॉप से वापसी पे आ जाएगा क्योंकि तेल बहुत महंगा है, तो इसलिए अब ऐसे ही बचतें करनी पड़ती हैं। तो दरमियान में नहर आ गई, तो ये आगे हमारा स्टाफ है जहाँ से बंदे बसों वगैरह में बैठते हैं, रुकते हैं, जाते हैं, चढ़ते हैं। और आ जाओ बोतल सची पिए पहला, और बोतल पी लेंगे। तो ये गुजर रहे थे कि 7 बोतलें पड़ी हैं, तो दिल कर पिया बोतल पी लें एक। और बोतल कौन सी पीनी भाई? और भाई मेरी सुनो, बोतल कैसी पीनी, बोतल कैसी पीनी है, कैसी? माशाल्लाह जी, अली ये स्टिंग पिएगा जी। तू कैसी पी रही है, कैसी फिल्टर वाली, तू कैसी पी रही है? जो मैं पीऊँगा, चलो मैं भी स्टिंग। ये हमारे करीब ही है, आप उधर बैठे भाई वो मंजे पे, ये इधर मुसाफिर खाना है, ये हम मुसाफिर ही हैं, तो ये बैठते हैं इधर और मैं लेकर आता हूँ इनके लिए बोतल। अब बिग पली सही है, चलो पकड़, ये एक लेद ले ली और एक बोतल खाना खा के आए, यही काफ़ी है। अभी बंदे ने कैमरे के डर से बोतल नहीं दी और हमें इतना सफ़र करना पड़ा, ये अब हम पहुँच गए हैं दूसरी तरफ से लेकर, और दिल भाई और ये बैठे हैं भाई, कह रहा पीनी स्टिंग थी तो आप बिगे पर ले आए। स्टिंग भाई लीटर में आया नहीं थी, पैसे कम थे भाई, इसलिए यही लेकर आया क्योंकि यूपीएस वाले को भी देने हैं। दिल भाई स्टिंग से अच्छी होगी कि नहीं, पी के देखो। ये दिल ने स्टिंग की थी, कहता मेरे यहाँ तो शौक पूरा नहीं किया, मेरा भी माइंड स्टिंग पे था। और ये देखें यूपीएस की, ये यूपीएस लेकर आए दोनों, तो घर से कॉल आई है, वो कह रहे हैं कि जी अल्लाह की तारे, वो दूसरी भी निकाल गए, तो अब काफी परेशानी बनी हुई है घर वालों। कैसे अब अच्छा स्टिंग से, अच्छा स्टिंग से अच्छा। दोस्तों अब जितनी देर यूपीएस ठीक नहीं होता हम बैठे हैं, ये भी मैं वसीम भाई को छोड़ने जा रहा हूँ पैदल ही रक्षे पे, तो ये रक्षे पे बैठ के जाएगा बिहाड़ी और बाइक लेके जाएंगे हम, क्योंकि हम 3 लोग हैं और किराया एक का 50 रुपये, तो बनना था 150, और रक्षे के पे बनना है 50 रुपये। ये रक्षे वाले आ गए भाई, वो अगले नहीं जाना, जा बह जा चाचू बिहाड़ी जा रहे हैं बिहाड़ी, कितना किराया देख, चल भाई दे दी किराया है वसीम के पास, बस ये बैठ गया, बस इसने जाना अकेले ने, आराम नाल बाल ले जा जे, ठीक है वसीम भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और मैं जा रहा हूँ वापस, हाँ देखो जी मैं उन्होंने छोड़न गया था पिछले बोतल में जुड़े खड़ोते ने,
जी थोड़ी बहुत पैसे पी रहे हैं। बस देखो जी कितनी तेज गुजरी चकड़ाले से। हम वापस आ गए वसीम भाई को छोड़ के और यूपीएस हमारा चेक हो रहा है और देखते हैं इसे क्या मसला है और ठीक करवा के फिर घर। दोस्तों हमारा यूपीएस ठीक हो गया है ओनली ऑन 200 रुपए में। ये जहाँ बंदे का लिंक हो ना तो वहाँ इतना फ़ायदा तो जरूर होता है। तो हम जा रहे हैं, दिल भाई ने जाना है बिहारी तो इसलिए नमाज भी पढ़नी है और उसमें बस हो गया तकरीबन कंप्लीट। वो कहते 10-15 मिनट लगेंगे तो इसलिए हम जा रहे हैं गांव। तो दिल जाएगा बिहारी, उसके बाद वो बिहारी से वापसी पर लेता जाएगा। ये जी हम अपने पिंड की तरफ जा रहे हैं और ये चढ़ाई चढ़ते हैं। ये हमारी पिंड की तरफ सड़क है और पहुँचेंगे हम तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर। दोस्तों हम मस्जिद में पहुँच चुके हैं और अब जमात करवाएंगे और नमाज़ पढ़ेंगे। ये भाई एक मस्जिद में सफाई कर रहा है, सवाब ले रहे नेकी। ये कासम भाई वजू करने लगे हैं। कासम भाई करो वजू जरा बिस्मिल्लाह पढ़ के। ये दोस्तों ओए होए सफाई हो रही है, अंदर आ जाए। ये जी हम मस्जिद में पहुंच गए। ये सेन है और ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है। माशाल्लाह बंदे नमाज पढ़ रहे हैं, नहीं नमाज होगी जमात, जमात ही 3:30। और ये अब्दुल मी साहब के बेटे हैं, ये जमात कराएंगे। अब आया अब तू करा, मैं पढ़ना देना चाहिए और चल लिया। हाँ फिर करा लेगा। चलो जी कासिम जमात करा लेते हैं, पंखा लगा लें। और ये हमारी यंग जनरेशन बैठी माशाल्लाह मस्जिद में, बहुत खुशी होती है। जी दोस्तों नमाज हमने पढ़ ली तो अब कुरान में भूल गया, सुबह नहीं पढ़ा। कासिम भाई भी पढ़ लेंगे और मैं भी। जी दोस्तों नमाज अल्हम्दुलिल्लाह हमने जमात के साथ पढ़ ली, जमात तो अपनी करवाई, जो मेन जमात उससे लेट हो गए थे। तो अब बस हमने शॉप पे जाना है बिहाड़ी, तो यूपीएस से दिल भाई लेते आएंगे, लगवा देंगे घर। नमाज पढ़ ली और कुरान सुबह नहीं पढ़ा था इसलिए अभी सोचा पढ़ लें। कासिम भाई पढ़ रहे हैं ये देखें, तो मैं भी पढ़ता हूँ। बस यही आज का हमारा व्लॉग था, ये जो हमारा काम था मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करें। तो नमाज और कुरान का ये बताना भी कोई रियाकारी नहीं, आपको मैसेज देना है कि आप जहाँ भी बिज़ी हो, मसरूफ़ हो, काम हो, आपको नमाज ज़रूर पढ़ें। और दिन में क्यों ना कितना भी नॉर्मल कुरान हो सके तो कुरान की तिलावत ज़रूर करें। दुआ में याद रखना, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलामु अलैकुम।